डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे केमिस्ट्री में हम लोगों ने पहले ग्लूकोज के बारे में पढ़ा कि ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है, उसका संरचना सूत्र क्या होता है, और क्या होता है जब ग्लूकोज को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया जाए या नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाए तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, इसको हम लोगों ने देखा। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं फ्रक्टोज के बारे में। तो टॉपिक दिया जाए फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। ठीक है, अब फ्रक्टोज क्या है और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है, तो हम लोग वही सीखे हैं कि जब सुक्रोज को यानी कि किसी शर्करा को जब वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो खैर अभी हम लोग सबका फ्रक्टोज का भी सेम थिंग्स पढ़ेंगे कि आखिर इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसका संरचना कैसा बनता है, जैसा कि ग्लूकोज का संरचना हम लोगों ने देखा था। चलिए अब हम लोग समझते हैं फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज का पहला में पॉइंट्स देंगे कि आखिर इसका फ्रक्टोज का अणुसूत्र क्या होता है। तो फ्रक्टोज की भी बात करें तो इसका भी अणुसूत्र ग्लूकोज का ही होता है, लेकिन नाम दोनों का अलग अलग होता है। यानी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का बात करें तो दोनों का नाम अलग अलग होता है लेकिन फार्मूला सेम होता है। तो यहां है फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज का भी फार्मूला हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई C6H12O6। ठीक है, इसका देख पाएंगे कि अणुसूत्र सेम होता है यानी कि फार्मूला सेम होता है। तब आप बोलेंगे कि सर तब तो कोई प्रॉब्लम कोई अंतर ही नहीं है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अंतर है, अंतर यह है कि संरचना ग्लूकोज का अलग होता है और फ्रक्टोज का संरचना अलग होता है। इसलिए क्योंकि हम लोग सीखे हैं कि ग्लूकोज में किरल कार्बन की संख्या यानी कि सी स्टार की संख्या 4 होता है, लेकिन आपको आज हम सिखाएंगे कि जब फ्रक्टोज का संरचना किया जाता है फार्मूला सेम है लेकिन संरचना दोनों का अलग अलग होता है, तो संरचना के आधार पर इसका नाम जो है अलग अलग बनाया गया है। एक का नाम रखा गया ग्लूकोज और एक दूसरे का नाम रखा गया फ्रक्टोज। तो जी बिल्कुल, आपको हम ले चलते हैं अब अगला संरचना सूत्र पे। तो दूसरा हम लोग संरचना सूत्र देखेंगे कि आखिर फ्रक्टोज का संरचना सूत्र कैसे होता है। तो फ्रक्टोज में जो संरचना सूत्र होता है आप ध्यान देंगे कि इसका होता है CH2OH। CH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है और फिर इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ और फिर इसके साथ HCOH, फिर उसके नीचे HCOH और फिर उसके नीचे HCOH। देख पा रहे होंगे कि वहां पे HCOH कितना था ग्लूकोज में, 4 था, इसी के वजह से उसको हम लोग C*4 बोल रहे थे और उसके नीचे CH2OH। ठीक है, CH2OH क्लियर देख पा रहे हैं जी। तो आप देख पा रहे होंगे कि वहां पे जो स्ट्रक्चर था ना भाई, कहां पे ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का हम लिख के दिखाते हैं CH2OH HCOH 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 एंड लास्ट CH2OH। ये था हम लोगों का किसका, ग्लूकोज का, यानी कि वहां पे C*4 बन रहा था, इसका किरल कार्बन 4 बन रहा था, लेकिन यहां पे HCOH का संख्या कितना है, HCOH का संख्या यहां पे कुल मिलाकर 3 है। इसलिए याद रखना भाई कि फार्मूला तो दोनों का सेम होता है, दोनों का फार्मूला सेम होता है लेकिन नाम जो है अलग अलग होता है। नाम अलग अलग क्यों होता है, नाम इसलिए अलग अलग होता है क्योंकि उसका संरचना अलग अलग होता है। तो आपको हम दिखा दिए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर है। याद रखो ये हम लोगों को फ्रक्टोज का फार्मूला था और इसका संरचना सूत्र किस इस प्रकार बनता है, HCOH यहाँ पे 3 है और तीनों अलग अलग ग्रुप है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि एक C* यहां बनेगा,
एक सी स्टार यहां बनेगा, ठीक है, और तीसरा सी स्टार यहां बनेगा, ठीक है, देख लो, यही तीन सी स्टार बनते हैं यहां पे। इसीलिए बोला जाता है कि इसमें किरल कार्बन जो बनते हैं, किरल कार्बन इसमें कितना है, सी स्टार कितना है भाई, 3 है। तो याद रखना, ग्लूकोज में किरल कार्बन की संख्या 4, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि ग्लूकोज में किरल कार्बन की संख्या कितना होता है, तो राइट आंसर इज 4। और उसके बाद फ्रक्टोज में किरल कार्बन की संख्या कितना होता है, तो इसमें होता है 3, ठीक है, ये चीजें बिल्कुल याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, फ्रक्टोज का अणुसूत्र देख लिए, संरचना सूत्र देख लिए। अच्छा, संरचना सूत्र के नीचे लिख दीजिएगा कि इसमें किरल कार्बन की संख्या कितना होता है भाई, इसमें किरल कार्बन की संख्या 3 होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि संरचना के आधार पे, संरचना सूत्र है ना, संरचना के आधार पर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या पाते हैं, अंतर पाते हैं। कुछ तुमको पूछेगा कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्मूला तो भाई C6H12O6 है, लेकिन क्या अंतर है, तुम बताना कि अंतर जो है संरचना के आधार पर इसको नाम अलग अलग रखा गया है। ग्लूकोज में किरल कार्बन 4 और फ्रक्टोज में किरल कार्बन 3 होता है। तो इस बात को लेकर इसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे संरचना सूत्र वाला बनाने के बाद उसके नीचे एरो देना है, लिखेंगे संरचना के आधार पर हम, संरचना के आधार पर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर पाते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर पाते हैं, अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर है, चलिए इसको भी हम लोग समझ ही लेते हैं साथ साथ। तो देखिए अगला बार कैसे लिखना है, तो एक तरफ आप लिखिए ग्लूकोज, एक तरफ ग्लूकोज लिखिए और दूसरा तरफ फ्रक्टोज लिखिए, दोनों में क्या अंतर है, अंतर है। तो अंतर में कभी ये नहीं लिखेंगे कि फार्मूला जो है इसका इतना होता है इसका इतना, तो फार्मूला तो सेम होबे करेगा, तो ये अंतर तो नहीं हुआ। हमको अंतर पूछेगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर है, तब हम क्या क्या पॉइंट्स को लिखेंगे। तो सबसे पहली बात कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अगर हम लोगों को पूछा जाएगा तो पहला अंतर तो संरचना बना देंगे कि ग्लूकोज में भाई CHO होता है, फिर HCOH, फिर HCOH, फिr H COH, फिर HCOH एंड CH2OH, ये हम लोगों को क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। अब अगर बात किया जाए कि फ्रक्टोज क्या है, तो फ्रक्टोज में अंतर बताने के लिए इसका हम लोग संरचना बना देंगे। तो इसका संरचना कैसे बनता है, तो CH2OH और फिर C से डबल बॉन्ड O, फिर HCOH, एच सी ओ एच, फिर एच सी ओ एच, 3 गो हो गया, फिर सी एच टू ओ एच। तो पहला अंतर तो हम ये दिखा सकते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, सब संरचना ऐसे होता है, ठीक है। दूसरा अंतर, दूसरा में लिखेंगे इसका दूसरा, तो इसका दूसरा ग्लूकोज के दूसरा में लिखिएगा, इसमें इसमें किरल कार्बन की संख्या, किरल कार्बन की संख्या 4 होते हैं, इसमें किरल कार्बन की संख्या 4 होते हैं, और फ्रक्टोज में लिखिएगा क्या, इसमें किरल कार्बन की संख्या 3 होते हैं, इसमें जो है किरल कार्बन की संख्या 3 होता है। तीसरा अंतर, अब तीसरा सबसे बड़ी अंतर क्या है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, कि देखो CHO जहां रहता है उसको हम कहते हैं भाई मेरे एल्डिहाइड। देख लो CHO का मतलब कि कार्बोनिल मूलक के साथ एगो हाइड्रोजन फिक्स रहेगा और एगो इधर R जुड़ा रहेगा, तब हम इसको कहते हैं कौन सी, इसको कहते हैं हम लोग
एल्डिहाइड, इसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। लेकिन हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर को पढ़े हैं, तो वहां पे हम लोग सीखे हैं कि एल्डिहाइड किसको कहते हैं और कीटोन किसको कहते हैं। तो एल्डिहाइड उसको कहते हैं जो कार्बोनिल मूलक, इसको कहते हैं ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अगर एगो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, एगो कार्बन का चैन जुड़ा रहेगा, तब हम इसको एल्डिहाइड कहते हैं। लेकिन अगर यही कार्बोनिल मूलक दोनों तरफ से आर आर से जुड़ा रहेगा, तब हम इसको कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं इसको, कीटोन कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि ग्लूकोज जो है किस श्रेणी में आता है, तो एक एल्डिहाइड के श्रेणी में आता है, जबकि फ्रक्टोज जो है एक कीटोन की कैटेगरीज में या श्रेणी में आता है। क्यों हम बोल रहे हैं एल्डिहाइड और क्यों बोल रहे हैं कीटोन, क्योंकि आप फार्मूला, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचना सूत्र को देख रहे हैं, तो यहां पे ऐसा दिखा रहा है, देख लो सी से ओ जुड़ रहा है एगो हाइड्रोजन और बाकी इधर कार्बन का चेन। तो जब ऐसा रहता है कि एगो हाइड्रोजन रहे, एगो आर रहे, आर मतलब कार्बन का चेन, तब हम उसको एल्डिहाइड कहते हैं। अगर दोनों जो है आर रहे, तब हम उसको कहेंगे कीटोन। ठीक है, तो देख रहे हैं कार्बोनिल मूलक सी डबल ओ है, पहले तरफ में भी कार्बन जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ में भी कार्बन का चेन जुड़ा हुआ है, तब हम इसको बोलेंगे एल्डिहाइड, कीटोन। तो याद रखना है कि ग्लूकोज जो है किस श्रेणी में आता है, तो ग्लूकोज की जो दोस्ती है वो एल्डिहाइड के साथ है, एल्डिहाइड के जैसा दिखता है, लेकिन फ्रक्टोज जो है कीटोन के जैसा दिखता है, कीटोन की श्रेणी में आता है। तो थर्ड पॉइंट्स में हम लोग लिखेंगे कि ग्लूकोज एल्डिहाइड की श्रेणी में आता है, ग्लूकोज एल्डिहाइड की श्रेणी में आता है, और फ्रक्टोज के बारे में लिखेंगे, फ्रक्टोज, इसका तीसरा पॉइंट, फ्रक्टोज कीटोन की श्रेणी में, फ्रक्टोज कीटोन की श्रेणी में आता है। तो कुल मिलाकर हम लोग देख पा रहे थे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या क्या है। सबसे पहला बात कि फ्रक्टोज का कोई बोलेगा कि निर्माण कैसे होता है, तो भाई मेरे ग्लूकोज का कैसे निर्माण हो रहा था, ग्लूकोज का निर्माण कैसे हो रहा था, जब सुक्रोज को वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो दो को चीज बन रहा था ना, एक को बोल रहे थे ग्लूकोज और एक को बोल रहे थे फ्रक्टोज, तो इसका भी सेम निर्माण है, और जब सेम निर्माण है, सेम फार्मूला है, तो इसका अभिक्रिया भी ग्लूकोज की तरह होगा, ये तो समझ रहे हैं। इसलिए हम इसका निर्माण और अभिक्रिया हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज का हम लोग निर्माण सीख लिए हैं, ग्लूकोज का अभिक्रिया सीख लिए हैं, तो फ्रक्टोज का निर्माण और अभिक्रिया हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे के टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो आगे की टॉपिक्स बना जाए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जो जानना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब कौन कौन से वो वीवीआई क्वेश्चन है, तो टॉपिक्स बनाकर लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तथ्य का मतलब स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट एरो देंगे, इसमें लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में। पहला बात, जब सुक्रोज को जल के साथ, जल माने वाटर H2O, जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो प्रतिफल के रूप में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज प्राप्त होता है
इसे इनवर्ट शर्करा कहते हैं, इसे इनवर्ट शर्करा कहते हैं। अब देखिए, पता नहीं चल रहा होगा कि सर इनवर्ट शर्करा का मतलब क्या हुआ। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य का पहला पॉइंट देख रहे हैं हम लोग अभी, फर्स्ट पॉइंट। ऐसे करके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में और भी कई पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट एरो में क्या लिखे कि जब सुक्रोज को, याद रखना, सुक्रोज को जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जो प्रतिफल बनता है उसमें ग्लूकोज बनता है, और याद रखना फ्रक्टोज बनता है, फ्रक्टोज, ठीक है। और यही जो बनता है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इन्हीं दोनों को हम कहेंगे कि इनवर्ट शर्करा। तो याद रखना भाई कि इनवर्ट शर्करा किसको कहते हैं। तो जब सुक्रोज को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो प्रतिफल में दुगु चीज बनता है, एक का नाम है ग्लूकोज और दूसरा का नाम है फ्रक्टोज। तो दोनों को ही हम लोग कहते हैं इनवर्ट शर्करा। क्या बोलते हैं उसको? इनवर्ट शर्करा। जब फार्मूला का बात किया जाए तो सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। इसको चीनी भी बोला जा सकता है ना। जब इसको वाटर के साथ, यानी कि वाटर का फार्मूला H2O, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों कौन सी है, सेम है, फार्मूला तो सेम होता है, संरचना अलग अलग होता है। तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ठीक है। तो ये आप इस पूरा को बोल सकते हैं इनवर्ट शर्करा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्त, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य का, अभी और कई पॉइंट्स हम लोगों को बाकी है, अभी हम लोग सिर्फ एक पॉइंट्स को किए हैं, और भी बाद बाकी अगले क्लास में कुछ पॉइंट्स बच गए हैं इस टॉपिक्स के अंतर्गत, उसको हम लोग करेंगे अगले दिन। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।